हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो कि प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार में पश्चिमी और पूर्वी घाट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उसमें बहुत सारे फैक्ट भी आते हैं जिसको हमको याद करना होता। जैसे पूर्वी घाट में क्या सब कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाएंगी और पश्चिमी घाट में कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाएंगी। तो जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार में कौन कौन सा पठार पहाड़ पाया जाता है, तो उसको एक बार ओवरव्यू रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ हम देखे हुए थे कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार में सबसे पहला श्रेणी ये कौन सा आता है, आरावली। आरावली जो कि गुजरात से लेके कहाँ तक, दिल्ली में रायलसीमा की पहाड़ी तक है। कहाँ पे, रायलसीमा। यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे रायसीना है जबकि रायलसीमा यहाँ पे है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि रायसीना और रायलसीमा। तो रायलसीमा जब भी कोई बोलेगा तो यहाँ पे तेलंगाना के पठार के आसपास जो कि हम पढ़ा चुके थे। तो सबसे पहला आरावली की श्रेणी को हम देख चुके थे जो कि कहाँ से कहाँ, गुजरात से लेके कहाँ तक, रायलसीमा। फिर आए थे तो ये देखे विंध्य पहाड़ी। ये कौन सी पहाड़ी, विंध्य पहाड़ी। और विंध्य पहाड़ी के बाद हम यहाँ पे जानते हैं सतपुड़ा। ऐसा करते हैं इसको एक ब्लैंक मैप पे आपको बना के समझाते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहला है यहाँ पे कौन सी पहाड़ी थी, आरावली की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, आरावली की पहाड़ी थी। उसके बाद यहाँ पे विंध्य पहाड़ी थी और यहाँ पे कौन सी पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी थी। और हम देखे थे कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट है और यहाँ पे ईस्टर्न घाट था। और ये भी बात हम देखे थे कि वेस्टर्न घाट जो है वो सतत है। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पे एक नदी बहती है दोनों के बीच से जो कि अपने वंश घाटी में बहती है, नाम क्या था, नर्मदार। और यहाँ पे बहती है तापी। कौन सी नदी, तापी नदी। तो तापी नदी के घाटी से सीधा कंटिन्यूस ये चलती है और कहाँ तक, केप ऑफ कैमोरिन कन्याकुमारी तक ये सफर चलता है। किसका, वेस्टर्न घाट का। तो वेस्टर्न घाट ये कंप्लीटली सतत घाट है जबकि ईस्टर्न घाट ये असतत है, मतलब कि ये बीच बीच में नदियों ने इसका रास्ता काट दिया है। तो ईस्टर्न घाट कभी भी कभी कोई पूछेगा तो क्या है, ये असतत है जबकि वेस्टर्न घाट क्या है, सतत है। तो ये भी बताया था मैंने कि इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार का कि स्लोप की बात थी तो ये स्लोप हम जानते हैं कि वेस्ट से ईस्ट की ओर था। ये जो पूरा प्रायद्वीपीय भारत का पठार आप देख रहे हैं इसका स्लोप किधर है, वेस्ट से ईस्ट की ओर। और यहाँ पे विंध्य श्रेणी के ऊपर इसका स्लोप किधर है, नॉर्थ की तरफ है। इसी के लिए यहाँ से आने वाली सारे हिमालय नदियों का यहाँ पे मिल जाता है, कौन सी, सहायक नदी वगैरह। और इधर विंध्य पर्वत श्रेणी के नीचे का स्लोप किधर है, पूर्व की ओर है। इसी के लिए ज़्यादातर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है और कहाँ जाके अपना मुहाना बनाती है, पूर्वी घाट के पास। यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो आप ये भी जानते हैं कि 75% नदियाँ अपना मुहाना बे ऑफ बंगाल में ही बनाती है। तो ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, आज हम इसी को देखने वाले हैं कि पश्चिमी और पूर्वी घाट में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं और कैसे क्रम में। तो आप जानते हैं क्वेश्चन पूछने का सिलसिला क्या है, तो एक क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछता है कि पहले कौन सी पहाड़ी, उसके बाद फिर कौन सी पहाड़ी, फिर कौन सी पहाड़ी। तो इसलिए जब भी हम कोई पहाड़ी पढ़ेंगे तो उसको क्रोनोलॉजी के आधार पर पढ़ेंगे कि पहले कौन था, बाद में कौन है, फिर कौन है। तो देखते हैं, चलिए। तो आज टॉपिक है हमारा कौन सा, पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट के बारे में जानते हैं कि पूर्वी समुद्रीय तट मैदानों के समांतर महानदी घाटी से नीलगिरी तक, कहां तक, नीलगिरी तक। तो आप जानते हैं कि अगर ये इंडिया है तो यहां पे एक नदी बहती है, कौन सी नदी, महानदी। तो महानदी के घाट से ये है आपका पूर्वी मैदान। पूर्वी घाटी के बगल में नदियों द्वारा बहुत सारे सालों में एक मैदान का निर्माण किया गया है। तो ये पूर्वी घाटी के बगल में कौन सा मैदान है,
पूर्वी घाटी का मैदान है। तो ये महानदी से कंटिन्यूस चलते हुए यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी है, जो कि वेस्टर्न घाट भी यहाँ पे आके मिलती है। तो महानदी के बेसिन से चालू होते हुए कहाँ तक आती है, ये नीलगिरी की पहाड़ी तक। तो पूर्वी घाट का अस्तित्व कहाँ से कहाँ देखे हम लोग, महानदी से लेके कहाँ तक, नीलगिरी तक, महानदी से नीलगिरी तक। तो यही बात है कि पूर्वी समुद्रीय तटीय मैदानों के समानांतर ये चलती है, मतलब ये मैदान है और मैदान के समानांतर ये चल रही है। कौन सी घाटी, पूर्वी घाट। और हम पहले ही बता चुके हैं कि पूर्वी घाटी असतत है, मतलब बीच बीच में नदियों ने उसका अपरदन कर दिया है, क्योंकि हम पहले बता चुके कि ढाल कैसा है इसका, ढाल इधर की ओर झुका हुआ है। तो वही बात है कि नीलगिरी तक इसका अस्तित्व दिखता है, किसका, पूर्वी घाट का। फिर बात करें कि नदियों का ढाल किधर की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये बात पहले बता चुके हैं कि पश्चिम से पूर्व है तो जितनी भी नदियां यहां से निकलेगी वो पूर्व की ओर बहेगी, और जब ये बहेगी तो इसको ये क्या करेगी, काट देगी। इसी के लिए पूर्वी घाट कंप्लीटली असतत है, जबकि पश्चिमी घाट के बारे में कोई पूछे, जिसको सहाद्री के नाम से भी जानते हैं, वो क्या है, सतत है, मतलब उसको कोई काटा नहीं है। फिर आते हैं अपरदन के कारण, ढाल तो बता दीजिए कहां से कहां, पश्चिम से पूर्व, अत्यधिक असतत है, पश्चिमी घाट से चौड़ा भी है। तो एक क्वेश्चन और आ गया, क्या कि पश्चिमी घाट क्या है, चौड़ा है कि पतला है। तो पश्चिमी घाट से ज्यादा चौड़ा है कौन, पूर्वी घाट। तो दो सवाल यहीं पे समझ लीजिए, पहला क्या बोला कि पश्चिमी घाट सतत है जबकि पूर्वी घाट क्या है, असतत है, मतलब कि यहां बीच बीच में गैप है जबकि पश्चिमी घाट में ऐसा कोई गैप नहीं। और सारी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, और ये इसके अपेक्षाकृत, किसके, पश्चिमी घाट के अपेक्षाकृत पूर्वी घाट चौड़ी है, क्योंकि सारी नदियां का बहाव इधर है। तो जब ये सारी नदियां का बहाव इधर होगा तो उसके द्वारा लाए गए अपवादों का निक्षेपण भी वहीं पे होगा, और जब निक्षेपण करेगी तो ये इलाका क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। तो यही बात कहता है कि अपरदन के कारण पश्चिमी घाट से ये चौड़ा है कौन, पूर्वी घाट। और इसमें अनेक पहाड़ी पाई जाती है। अब इस पहाड़ी को एक लाइन से हमको देखना है, तो इस स्लाइड को हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन अभी पहले देखते हैं कि कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाती है। तो ये एक डायग्राम है जिसके तहत हमको ये देखना है कि कौन कौन सी पहाड़ी है। तो हम आपको पहले बता चुके थे कि पूर्वी घाट का अस्तित्व कहां से कहां देखा गया, महानदी से लेके कहां तक, नीलगिरी की पहाड़ी तक, कहां तक, नीलगिरी के पहाड़ी तक, जो कि यहां पे है। तो सबसे पहला पहाड़ी आता है गढ़जात, सबसे पहला पहाड़ी कौन सा, गढ़जात, उसके बाद मलयगिरी, उसके बाद टिकटपाड़ा, और ये महानदी से उत्तर की ओर है। तो ये सवाल पूछता है कि सीक्वेंस में सजा के दिखाइए इसको, ये कौन उत्तर में है, कौन दक्षिण में। तो ये बात ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर कौन सा है, गढ़जात, मलयगिरी, और फिर कौन सा है, टिकटपाड़ा, फिर है नयागढ़, फिर है महेंद्रगिरी, और फिर है ओलयकोंडा, नल्लामलाई, वेणुकोंडा, पालकोंडा, फिर नगारी है, जवारी है, सेवराई पहाड़ी है, पंचमलाई है, और सिरुमलाई। तो ये बहुत लंबा सा सीक्वेंस है, और आप देख रहे हैं इसका विस्तार ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कौन सा, तमिलनाडु के पास है। तो ये तीन राज्य में विस्तृत है, कौन कौन सा, सबसे पहले ओडिशा से स्टार्ट होते हुए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। तो कहां से कहां, महानदी के बेसिन से। तो लेकिन ये तीन पहाड़ियां को ईस्टर्न पहाड़ियां में नहीं रखते हैं, लेकिन तब पर भी इसको हम लोग देख लेंगे। और इसको याद करना ही अपने आप में एक चैलेंज है कि ये कंटिन्यूस याद कैसे रहेगा। तो ये हम आपको याद करवाएंगे, अभी चिंता नहीं करना है। तो सबसे पहले देखिए याद करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप निमोनिक्स का सहारा लें। तो मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि याद करने का एक तरीका होता है, कोई कहानी हम गढ़ लेंगे किसी चीज़ के लिए तो वो आपको याद हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम लोग करते हैं, देखिए याद होता है कि नहीं। सबसे पहला हम बात बोल रहे हैं गढ़जात, इसमें मेरे को जात दिख रहा है, इसका मतलब, तो इस ध्यान से समझिएगा इस बात को, इस कहानी को समझिएगा तो ये पूरा पहाड़ी आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा है, गढ़जात, इसका मतलब जो आदमी जात को गढ़ेगा पक्का वो नीचे गिरेगा। देखिए सबसे पहले कौन सा है, गढ़जात, अब मलयगिरी,
इसमें गिरी वर्ड देखिए, तो जो जात को गढ़ा वो क्या करेगा, गिर जाएगा। तो गढ़ जात मलयगिरी, गढ़ जात मलयगिरी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि टिकट पारा है, तो हम ऐसे कहानी को आगे बढ़ाएंगे कि गढ़ जात मलयगिरी, और जब ही आदमी गिर जाएगा तो क्या करना है, उसका टिकट कटवा देना है कि तुम यहां से निकलो भाई, तुम जातवाद ज्यादा देखते हो तो तुम यहां से निकलो। तो सबसे पहला बात, गढ़ जात मलयगिरी और टिकट पारा, तो ये तीन को साथ में याद करना है। कौन कौन सा बोला, गढ़ जात मलयगिरी और टिकट पारा। और जब सारा लोग यहां से चला ही जाएगा तो एक नया गढ़ का निर्माण करना पड़ेगा आपको, किसका, नया गढ़ का। तो गढ़ जात मलयगिरी, टिकट पारा और नयागढ़। और नयागढ़ के बाद आएंगे तो नयागढ़ का आपको एक शासक चुनना पड़ेगा, कौन सा, महेंद्रगिरी। कौन सा, महेंद्रगिरी। तो पांच नाम याद किए भी, तो सबसे पहले कौन था, गढ़ जात। अगर कोई जात गढ़ेगा तो पक्का क्या होगा, गिरेगा। तो गढ़ जात मलयगिरी, अब मलयगिरी का मतलब उसको यहां से भगाना है, तो टिकट पारा। तो गढ़ जात मलयगिरी, टिकट पारा। और जब सब कोई चला ही जाएगा तो किसको लेके आएंगे, तो नया गढ़ निर्माण करेंगे, और शासक कौन होगा उसका, महेंद्रगिरी। तो ये पांच नाम साथ में, गढ़ जात मलयगिरी, टिकट पारा और नयागढ़ और महेंद्रगिरी। फिर आता है ओलयकोंडा, तो इस तीन नाम को एक साथ याद करना है, कौन कौन सा, ओलयकोंडा, वेणुकोंडा, पालकोंडा, एक साथ बोलेंगे साथ में, जब भी हम पढ़ाएं तो साथ में बोलना है, बोलने से क्या होगा ना, आपको याद होगा। तो सबसे पहले क्या बोला, ओलयकोंडा, वेणुकोंडा और पालकोंडा, तो ये तीन नाम एक साथ बोलना, देखिए सब में लास्ट में कोंडा है, तो ये सिक्वेंस याद रहेगा आप। तो ओलयकोंडा, वेणुकोंडा, पालकोंडा, ओलयकोंडा, वेणुकोंडा और पालकोंडा, और बीच में रखना है किसको, नल्ला मलाई को, बीच में किसको रखेंगे, नल्ला मलाई को। तो ओलयकोंडा, वेणुकोंडा, पालकोंडा, छोटी सी स्टार मतलब वही स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, ये गढ़ जात मलयगिरी, टिकट पारा, फिर कौन था, नयागढ़, फिर कौन सा, महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी के बाद तीन नाम एक साथ, ओलयकोंडा, वेणुकोंडा और पालकोंडा, ये तीन नाम बोल दिए। और हम ये भी याद किए कि बीच में कौन सा है, नल्ला मलाई। तो नल्ला मलाई की कहानी यहाँ पे, ये चार पारी का यहाँ हुआ। फिर है नगारी, फिर कौन सा है, नगारी। तो एक बार कहानी को यही बढ़ाना है कि जो महेंद्र बाहुबली था, महेंद्रगिरी या महेंद्र बाहुबली के नाम से करना है, क्योंकि यहाँ नया गढ़ बनाए थे तो ये महेंद्र बाहुबली का शासन दिए थे यहाँ। तो इसको एक नल्ला मलाई हम देखें, ओलयकोंडा, वेणुकोंडा, पालकोंडा, तो ये नगारी यहाँ पे, और नगारी के बाद कौन सा पहाड़ी, जवारी, जवारी के बाद सेवराई पहाड़ी, और फिर पंचमलाई पहाड़ी, और फिर लास्ट में है सिरुमलाई पहाड़ी। तो यहाँ तक तो आपको याद है, कहाँ तक, पालकोंडा तक। लेकिन पालकोंडा के बाद फिर उसी स्टोरी को बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है वो सुनिए। तो कहते हैं कि सबसे पहले जो जात को गढ़ा वो गिरेगा, तो मलयगिरी, फिर उसको भगाना है, टिकट पारा, फिर क्या करना है, नया गढ़ को बनाना है, तो नया गढ़ बना लिए, और फिर उसका शासन किसको रखिए, महेंद्रगिरी को। तो महेंद्र का कहानी हमारा बन गया। फिर हम बोले महेंद्रगिरी को एक बाबू हुआ, तो क्या हुआ, तो ओलयकोंडा, वेणुकोंडा, पालकोंडा, नल्ला मलाई। अब ये नगारी पीटना है पूरे शहर में कि हमने नया राज बनाया है, तो नगारी पीटे, नगारी, फिर जवारी करना है, और फिर सेवराई की पहाड़ी है, फिर पंचमलाई है, और फिर कौन सा है, सिरुमलाई की पहाड़ी है। तो इसमें यह भी ध्यान देना है आपको कि बीच में कौन सी नदियां इसको काट देती हैं, कौन सी नदियां इसको काट देती, तो ये गोदावरी और कृष्णा नदी ओलयकोंडा और नल्ला मलाई के बीच में है। ओलयकोंडा और नल्ला मलाई के बीच में कौन सी नदियां, गोदावरी और कृष्णा। और हम पहले बता चुके हैं कि जब भी हम पूर्वी घाट पर रहे हैं तो पूर्वी घाट क्या है, असतत है, मतलब बीच बीच में क्या है, नदियां ने इसको काट दिया है। और यहां पे कौन सी नदियां हैं, कावेरी नदी है, कौन सी नदी, कावेरी नदी, कोई दिक्कत। तो पश्चिमी घाट में इतने सारे पहाड़ी को देखना है, हम कितने सारे पहाड़ी को, इतने सारे पहाड़ी को देखना है। सबसे पहले बोलना है आपको गढ़ जात, फिर मलयगिरी, फिर टिकट पारा, फिर नयागढ़, फिर कौन, महेंद्रगिरी, फिर ओलयकोंडा, वेणुकोंडा, पालकोंडा, बीच में रखना किसको, नल्ला मलाई, फिर लास्ट में कौन सा है, नगारी, नगारी पीटना है, फिर जवारी करना है, फिर सेव राजा, पंचमलाई और सिरुमलाई की कहानी थी। तो ये स्टेट वाइज भी कर लेंगे हम लोग कि ये इतने सारे आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, ये कहाँ पे, ओडिशा में, और ये तमिलनाडु। एक फेमस पहाड़ी है यहाँ पे, शेषाचलम की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, शेषाचलम की पहाड़ी। क्यों फेमस है, क्योंकि यहीं पे
तिरुपति बालाजी का मंदिर है, शेषाचलम की पहाड़ी के ऊपर ही कौन सा मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर। तो अब आते हैं कुछ फैक्ट देख लेते हैं, इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ईस्टर्न घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा। तो ये यहां से यहां तक एक घाट मानते हैं ईस्टर्न घाट, इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, जिंदागढ़। कहां पे है, यहां इस आसपास में जिंदागढ़ है। तो याद करना है कि सबसे ऊंची चोटी कहां पे, जिंदागढ़, और सेकंड हाईएस्ट पीक जो है महेंद्रगिरी है। सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सा, महेंद्रगिरी। तो क्वेश्चन याद रखना है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, जिंदागढ़, कौन सा, जिंदागढ़, 1690 मीटर है। ये कहां पे है, आंध्र प्रदेश में। तो पूरे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़, पूछेगा सेकंड हाईएस्ट चोटी कौन सा, महेंद्रगिरी, कौन सा, महेंद्रगिरी। तो यहां पे जिंदागढ़, यहां पे कौन सा, महेंद्रगिरी, तो याद रखना है। फिर अनंत तत्व देखेंगे तो मेलागिरी श्रेणी है, और ये क्यों फेमस है, चंदन की खेती के लिए। आप एक मूवी देखे होंगे पुष्पा, जहां चंदन का खेती ही होता है, मतलब चंदन का ही सारा काम होता है। तो मेलागिरी श्रेणी किसके लिए फेमस है, चंदन की खेती के लिए प्रसिद्ध। फिर यहां नदियां की बात करें तो नदियां में देखेंगे, यहां नदियां में कौन सी थी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां यहीं पे हैं। तो जब नदियां हम पढ़ेंगे तो सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पिन्नार, कावेरी, जितनी नदियां हैं वो सबको देखना है एक लाइन से कौन कहां पे। तो इस पूर्वी घाट को कोई दिक्कत समझने में, तो ये यहां से लेके यहां तक। तो पूर्वी घाट में दो तीन बात याद रखना है। पहला बात कि ये असतत है, मतलब बीच बीच में नदियों द्वारा उसका अपरदन किया गया है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी, जिंदागढ़, और सेकंड हाईएस्ट चोटी कौन सा, महेंद्रगिरी, कौन सा, महेंद्रगिरी, कोई दिक्कत। फिर आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं ईस्टर्न घाट के बाद हमारा टॉपिक है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के बारे में देखे तो कहा कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, सहाद्री भी कहते हैं उसको। पश्चिमी घाट को सहाद्री के नाम से भी जाना जाता है, और इस सहाद्री को तीन भाग में बांटते हैं। देखते हैं, तापी नदी के मुहाने से कहां तक, कन्याकुमारी तक, 1600 किलोमीटर तक विस्तृत। ये भारत की दूसरे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यहां ध्यान दीजिए कि यहां पे तापी नदी का मुहाना है, यहां पे कौन सी नदी, यहां पे हम देख रहे हैं कि विंध और सतपुरा के बीच में कौन सी नदी। तो आपको बताए थे कि विंध और सतपुरा के बीच में नर्मदा नदी बहती है, अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा निकलती निकलती है, और यहां पे सतपुरा के नीचे तापी नदी निकलती है। तो तापी नदी के मुहाने से ये सीधा कहां तक, केप ऑफ कैमोरिन, केप ऑफ कैमोरिन तक। तो यहां तक ये लंबा है पूरा एक साथ। सवाल यहां से खूब आएगा, पहला सवाल कि भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा आएगा, पश्चिमी घाट। क्या बोला, भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा, पश्चिमी घाट। अगर कोई फर्स्ट बोलेगा तो कौन सा, हिमालय, कौन सा, हिमालय। तो हिमालय की लंबाई अप्रोक्स 2500 किलोमीटर है, जबकि पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन यहां से आएगा कि पश्चिमी घाट का लंबाई कितना है, 1600 किलोमीटर। तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी, पश्चिमी घाट, तो याद रखना है। और इसकी ढाल किधर की ओर है, पूर्व की ओर है। तो यही बात देखना है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो हम जानते हैं कि अफ्रीका से भारत के अलग होने पर, तो एक बात आप जानते हैं कि सबसे पहले ये पूरा जो अर्थ था, जितने भी 7 कॉन्टिनेंट है वो एक साथ थे ना, इसको एक साथ क्या कहते हैं, पेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंजिया कहते हैं। तो आज जितने 7 कॉन्टिनेंट हैं, आज जो 7 महादेश हैं हमारे, वो पहले सब एक साथ थे, तो इसको क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। और जो 5 ओशियन हैं आज हमारे, वो भी पहले एक साथ मिले हुए थे, उसका नाम क्या था, पैंथालासा था। क्या था, पैंथालास। तो पहले 7 कॉन्टिनेंट एक साथ थे, नाम क्या था, पेंजिया। और समुद्र जो अभी 5 है आपके पास, वो कौन सा था, पैंथालास। और बीच में यहां पे डिवीजन हो गया, यहां पे 33 सागर का निर्माण हुआ, और ऊपर वाला भाग अंगारलैंड और नीचे वाला भाग गोंडवानलैंड बना था। तो हम जानते हैं, ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि भारत गोंडवानलैंड का हिस्सा था। ऊपर वाले भाग क्या बोले, अंगारा लैंड, नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड बोले थे।
तो भारत किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो कि टूट के फिर हमारा यहां पे आगे बढ़ा। तो वही बात है, इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। यहां पे एक भ्रंश कगार है। अब भ्रंश कगार का मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ था और ये पहाड़ बीच से ही कट गया। जब अफ्रीका से हम अलग हुए, हमारा भारत अलग हुआ, तो हम देखे कि ये बीच से ही टूट गया होगा। अगर ये बीच से टूटा तो ये एक कगार बच गया। कैसा बचा होगा? ऐसा बचा होगा, इसी के लिए कगार बना हुआ है। इसका मतलब यहां पे ढाल बहुत ज्यादा होगा। यहां पे ढाल कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जब ये अफ्रीका से टूटा था तो ये आधा इधर आ गया और आधा इधर आ गया, तो ये ढाल क्या है? ज्यादा। तो यही बात कहा कि यहां पे भ्रंश कगार है, और उत्तर से दक्षिण आने पर ऊंचाई बढ़ जाती है, चौड़ाई भी बढ़ जाती है उत्तर से दक्षिण। एक बात बताइए, उत्तर किधर है? नॉर्थ इधर है और साउथ इधर हुआ। उत्तर से दक्षिण जब भी हम आएंगे तो इसकी चौड़ाई बढ़ती है। इसका मतलब उत्तर की ओर यह हल्का सरकड़ा पतला सा है, जबकि नीचे चौड़ा हो गया है। इसी के लिए हम जानते हैं कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट यहां पे मिलती है, जो कौन सी पहाड़ी थी? नीलगिरी की पहाड़ी थी। कोई दिक्कत? तो यही बात है कि उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो ऊंचाई भी क्या होगा इसका? बढ़ेगा, और चौड़ाई भी क्या होगा इसका? बढ़ेगा। और ढाल की भी बात हम कर चुके हैं कि पश्चिम की ओर तीव्र ढाल है इसका, और पूर्व की ओर क्या है? मंद ढाल है। पूर्व की ओर ढाल मंद है, क्योंकि यहां पे बहुत सारी नदियां ने उसको मिला दिया हुआ है। नदियां की बात करें तो सतत पर्वत श्रेणी है यहां पे। चलिए फिर आगे बात करते हैं। जिस तरह पूर्वी घाट में देखिए कि हम बहुत सारा पहाड़ी पाया गया, तो वैसे ही पश्चिमी घाट में भी बहुत सारा पहाड़ी पाया जाएगा। तो उस पहाड़ी को भी देखना है और याद करना है। तो ये उसका ओवरव्यू है, लेकिन इसको देखते हैं पहले पहाड़ी का। ये डायग्राम से पहाड़ी को समझना है। तो ये कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट के बारे में हम देख चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि पश्चिमी घाट कहां से स्टार्ट होती है। तो पश्चिमी घाट स्टार्ट होती है कहां से? तापी नदी के मुहाने से। चलिए, तो मैंने पश्चिमी घाट के बारे में बताया क्या कि इसका स्टार्ट कहां से है? तापी नदी से स्टार्ट। पूर्वी घाट कहां से था? महानदी से। पूर्वी घाट कहां से था? महानदी से। और यह कहां से है? तापी नदी। तापी नदी के बारे में क्वेश्चन है कि तापी नदी अपने भ्रंश घाटी में बहती, तो तीन नाम जानते ही होंगे आप लोग। नर्मदा भी अपने भ्रंश घाटी में बहती है, तापी भी, और गोदावरी नहीं, दामोदर। तो तापी नदी के पास देखे तो तापी नदी से एक पश्चिमी घाट स्टार्ट होता है। सबसे पहला पहाड़ी है कौन सा? सतमाला की पहाड़ी। सबसे पहला पहाड़ी कौन सा है? सतमाला। उसके बाद कौन? हरिश्चंद। फिर कौन सा? महाबलेश्वर। फिर है बाबा बुदान की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, और फिर ये ज्वाइंट है जहां हम बताए हैं आपको कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिल जाती है। यहां पे पश्चिमी घाट है यहां तक, और यहां पे पूर्वी घाट है, जो कि यहीं पे गांठ बन जाता है। और पूर्वी घाट आप जानते हैं क्या है? असतत है, ये सतत है। तो सबसे पहला पहाड़ी कौन सा हो गया? सतमाला की पहाड़ी। फिर कौन सा? हरिश्चंद्र की पहाड़ी। फिर कौन सा? महाबलेश्वर की पहाड़ी। फिर बाबा बुदान, ब्रह्मगिरी, और ये नीलगिरी की पहाड़ी। फिर नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी, और सबसे लास्ट में इलायची पहाड़ी या कार्डमम पहाड़ी, जिसको इलायची की खेती के लिए बहुत फेमस है, इसीलिए नाम ऐसा क्या, इलायची पहाड़ी। तो अब इस सीक्वेंस को भी याद करना है आपको। तो सबसे पहले क्या है? सतमाला है। तो इसका सिक्वेंस याद करना है, क्योंकि पश्चिमी घाट सतत है, मतलब एक साथ कंटिन्यूअस है, इसी के लिए स्टार्ट कहां से होगा? सतमाला से होगा। तो एक यहां भी छोटा सा कहानी है कि हरिश्चंद जो है वो सतमाला, मतलब माला का जाप कर रहे हैं हमेशा। कौन सा? हरिश्चंद माला का जाप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? महाबलेश्वर बनने के लिए। क्यों कर रहे हैं? महाबली बनने के लिए। तो याद करना है कि महाबलेश्वर बनने के लिए हरिश्चंद क्या कर रहे हैं? सतमाला, हमेशा माला का जाप कर रहे हैं। तो याद रहेगा आपको, कौन? महाबली बनने के लिए या महाबलेश्वर बनने के लिए हरिश्चंद किस क्या कर रहे हैं? तो सतमाला का जाप कर रहे हैं। तो ये तीन नाम याद रहेगा, सतमाला, हरिश्चंद, महाबलेश्वर। फिर नीचे में बाबा बुदान की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, तो ये दो नाम एक साथ है, बाबा बुदान और ब्रह्मगिरी। और फिर यहां से तो अलग ही होता है क्या, नीलगिरी। तो यहां पर ज्वाइंट हो गया तो नीलगिरी।
तो यहां पे आप देखिए तीन पहाड़ी, कौन कौन सा, यहां पे क्या बोला मैंने, सतमाला है। कौन कर रहा है? हरिश्चंद्र। क्यों कर रहे हैं? महाबलेश्वर बनने के लिए। तो सतमाला, हरिश्चंद्र और महाबलेश्वर। और यहां पे कौन सा, दो पहाड़ी, एक है पहला पहाड़ी का नाम क्या, बाबा बुधान की पहाड़ी, और फिर कौन, बाबा बुधान की पहाड़ी, और फिर कौन, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तो ये दो पहाड़ी। फिर नीचे आएंगे तो नीलगिरी की पहाड़ी हमको मिलती है, जो कि हम बार बार बता चुके ये क्या है, गांठ है, जहां पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके मिलता है। फिर है अन्नामलाई, कौन सा, अन्नामलाई, और फिर है पालनी पहाड़ी, और सबसे नीचे वो कौन सा पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, या इसी को क्या बोलते हैं, कार्डमम हिल, जो इलायची है। लेकिन इसमें भी फैक्ट है, जिस तरह हम देखें पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन थी, जिंदागढ़ थी। पूर्वी घाट बताया था ना कि सबसे ऊंची चोटी कौन सा, जिंदागढ़, और दूसरी हाईएस्ट पीक कौन सी बताना है आपको, तो सबसे पहला कौन था, जिंदागढ़, और सेकंड हाईएस्ट कौन है, महेंद्रगिरी, कौन सा, महेंद्रगिरी। तो उसी तरह पश्चिमी घाट में भी एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन पश्चिमी घाट को हम किस नाम से जानते हैं, और सहाद्री के नाम से जानते हैं। तो इसका विभाजन भी, तो तीन भाग में इसका विभाजन है, पहला उत्तरी सहाद्री। तो ये जो तीन पढ़े हैं हम, वो तीन कहां पे है, उत्तरी सहाद्री में है, और मध्य सहाद्री में ये दो नाम, बाबा बुधान और ब्रह्मगिरी, और बाद बाकी नीलगिरी के नीचे जो है वो दक्षिण सहाद्री में रखते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन इंडिविजुअल आता है कि उत्तरी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी, तो याद करना है कलसुबाई, उत्तरी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, कलसुबाई। तो जो हरिश्चंद्र पहाड़ी के ऊपर है कौन, कलसुबाई। फिर आएगा कि मध्य सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी, तो बाबा बुधाननाथ की पहाड़ी पे कौन, कुदेरमुख। बाबा बुधाननाथ की पहाड़ी पे कौन है, कुदेरमुख। तो ये मध्य सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सा, कुदेरमुख। और नीलगिरी पहाड़ी पे दादा या दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2636 मीटर है। फिर आएंगे तो अन्नामलाई के ऊपर एक पहाड़ी का नाम है, कौन सा, अनाई मुड़ी, जो कि ये पूरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो क्वेश्चन यहां याद करना है कि पूरे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो अन्नामलाई के ऊपर स्थित अनाई मुड़ी पहाड़ी पूरे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी कौन सी, आपको बताए थे जिंदागढ़। सेकेंड हाइएस्ट कौन सा, महेंद्रगिरी। फिर देखिए कि पूरे पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी, पूरे पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सा, अनाई मुड़ी। कहां पे है, अन्नामलाई। उत्तरी सहाद्री का कलसुबाई, और मध्य सहाद्री का बाबा बुधान के ऊपर कुदेरमुख है, और सबसे नीचे इलायची पहाड़ी की ऊंची चोटी है, कौन सा, अगस्तामलाई। कौन सा है, अगस्तामलाई। तो इस बात को ध्यान रखना है। यहां पे कुछ पास पाए जाते हैं, तो यहां पे थाल घाट है, यहां पे भोर घाट, और यहां पे पाल घाट। तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये तीन पास मुख्य रूप से याद करना है आपको, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। तो ये पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट में हम कहां तक देखें आपको, तो नीलगिरी तक हम देख चुके, उसके बाद अन्नामलाई, पालनी पहाड़ी और इलायची पहाड़ी। तो यहां तक आज हम लोग देखे, आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे और याद करेंगे इसको। धन्यवाद।